आइलैंड है ये, तो नाव से जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आके नहाने गई थी मैं, नहा धोकर अभी फ्रेश हो चुकी हूँ, मेकअप भी कर लिया हूँ और सिर्फ मैंने स्किप कर दिया नहाते हुए वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि सुमित और हम दोनों नहाएंगे एक साथ, अकेला अकेला नहाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो आए हैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, इसीलिए आप सभी से थोड़ा सा मैंने टाइम लेकर सुमित और मैं दोनों एक साथ टाइम स्पेंड किया है जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, तो बस उसी का कुछ फ़ोटो क्लिप मैंने शूट किया था, तो इसीलिए नीचे फोटोग्राफर जो होता है ना समुंदर के साइड पे जैसे फ़ोटो खींचते हैं, तो फोटोग्राफर आए हैं सुमित, वही लेने के लिए नीचे गए हैं। और मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, अभी दोपहर का देखिए बज रहे हैं 2:15 हो चुका है देखिए, और बस रूम को अभी क्लीन करके गए हैं हाउस हेल्पर जो होते हैं, और बस बिस्तर के ऊपर मैंने सुमित के लिए जीन्स और टी शर्ट ये वगैरह जो पहनने वाले हैं वो ब्लैक पहनने वाली हूँ आज, मैचिंग पहनने वाली हूँ, तो बस निकाल कर रख दिया हूँ और अभी नीचे जाऊँगी, सब फोटो लेके आ जाए, सुमित रेडी हो जाए, उसके बाद नीचे जाऊँगी, लंच करूँगी, उसके बाद निकली तलसरी या न्यू उदयपुर बीच, इस साइड पे बहुत अच्छा ऐसा छोटा छोटा जो द्वीप होता है ना उसी का नाम है, तो बहुत नज़दीक भी नहीं है बहुत दूर भी नहीं है ऐसा है, तो बस हम लोग तो न्यू दीघा में हैं, वो है उदयपुर बीच, वो थोड़े से अगर आप चाहे तो आप गाड़ी से भी जा सकते, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है लेकिन बहुत कॉस्टली प्राइस में, जो आपका बजट में है तो आप जा सकते हैं रिलैक्स में, और वैन भी बहुत सारी कुछ है मैं, आप जा सकते हैं, आप अगर अपना आप चाहते हैं समुंदर के बीच से साइड से जाना तो और भी रोमांटिक वेदर रहता है, समुंदर पानी आपके पैर को छूकर फिर चला जाता है वापस, ऐसे पल को एंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं, बहुत इजी है, तो एक स्टेप बाय स्टेप एक क्या बोलते हैं आइलैंड जैसा ही है तालसरी का वहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ वही जाऊँगी लंच करने के बाद, मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, मेरा हेयर अभी भी गीला है और मेरा टैन पड़ गया फ्रेंड, सुमित तो ऑयल लगा के गए थे कि चलो समुंदर में काला नहीं होंगी पानी नहीं पकड़ेगा, लेकिन कब तक पानी नहीं पकड़ेगा, पानी तो धोते धोते जाएगा ना, तो सुमित और मैं बहुत इंजॉय किया इस पल को, और कल हम दोनों का चेकआउट है तो कल हम जाएंगे घर, बस देखते देखते 2 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसा लगा अभी तो आई हूँ मैं, तो इसीलिए मैं इस पल को मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ पल सुमित और मैं हम दोनों बिताते हैं नहाते हुए, हम दोनों ने बहुत मस्ती किया, उसके साथ ही मैं क्या बताऊँ, उसके साथ ही हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खाया था, जैसे चाट मसाला जो होता है चने के साथ वही खाए थे, उसके बाद नारियल पानी तो उस टाइम पे पिया था जब न्यू दीघा में था, उसके बाद भी मैंने नारियल पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ का टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, बहुत क्या बोले इसको, समुंदर में नहाते नहाते नमकीन पानी पीते पीते नारियल का पानी मीठा लगने लगता है, और इतना नहाया ना मेरा उंगली देखिए कैप्चर नहीं कर पाए जैसे भी है, तो उंगली पूरा खजूर जैसे सूख जाता ना उसी की तरह सिकुड़ गया है मेरे पैर का उंगली, हाथों का उंगली और मेरे होंठ भी कैसे हो गया है, मैंने लिपस्टिक सिर्फ हल्का सा लगाया है, बाद में लंच कर लूँगी उसके बाद ठीक ठाक से लगाऊंगी, और बस वेट कर रही हूँ सुमित कब आ जाए, सुमित रेडी हो जाए उसके बाद जाएंगे फिर से नया बीच, आई एम वेरी एक्साइटेड, आप भी एक्साइटेड हो ना वो तो प्लीज़ बताना, और अभी तक मेरा जो ब्लॉग अपलोड किया है आप सबको कैसा लग रहा है बताना प्लीज़, आप बताते नहीं हो, मज़ा बहुत लेते हो लेकिन बताते नहीं हो, ये बैड मैनर्स है, आप बताना चाहिए,
जैसे भी है, खराब है, अच्छा है, जो आपको थिंकिंग लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कुछ भी माइंड नहीं करूँगी, गलत है गलत कर दीजिए, सही है तो सही कर दीजिए, आपके ऊपर। तो चलो मैं बहुत आप सबका भेजा फिर। और हाँ, ये देखिए ये रूम में ना इसका मेनू कार्ड है, क्या खाने वाली हूँ सब यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइस में दिया हुआ है सब कुछ। और जो मैंने कल खाई थी, तो कल ही खाए थे लंच, तो सुमित आज बोल रहे हैं बिरयानी खा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो रूम पे खाना लेके आएंगे तो 20 रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो नीचे जाके खाने से उतना नहीं पड़ता है, और नीचे थोड़ा ही नीचे है, और हमारा फोर्थ फ्लोर पे है। यहाँ का फिश बहुत टेस्ट है जैसे भी। और हाँ, आपने तो देखा था फिश नहीं पकड़ रहे हैं यहाँ पर, अभी बंद है क्योंकि मछलियों के पेट में अंडा थोड़ा सा ये हो रहा है, इसीलिए तो बहुत यमी है। यह इस होटल का, इस मैं जो होटल में रुकी हूँ इसका नाम है ग्रीन पार्क, और ये बहुत अच्छे सर्विस देते हैं घर में सब कुछ। मैं जब भी आती हूँ बोलती हूँ रूम फ्रेशनर दो, देते हैं बहुत अच्छा। तो बस सुमित आ जाए, मैं कब आ जाए इसके बाद निकलूँगी, बाहर बहुत धूप है, बहुत धूप। और मैंने वो वाइट आ गए, मैं डर गया, क्लीन करे गाली मत तो नहीं नहीं सब देखी पिक्चर गुले क्या मन देख सर। मैं पहले पिक्चर देख लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए पिक्चर, जो वहाँ पर जो फोटोग्राफर भैया है वो खींच दिया है, सुमित का पसंद नहीं आया है। आपको कौन सा वाला पिक्चर अच्छा लगा बताना प्लीज़। मुझे ये वाला पिक्चर अच्छा लगा और ये वाला पिक्चर, ये बाकी का जो पिक्चर है मुझे इतना नहीं पसंद आया, क्योंकि सनग्लास लेके नहीं गए थे, वो फोटोग्राफर भैया ने बोला ये सनग्लास पहन लो, इसको पहन के फोटो खींचो, बस उसी के कारण सुमित को अच्छा नहीं लग रहा। उसका ब्रांडेड चश्मा रहते हुए भी वो पाती चश्मा लगा के फोटो खींचा, इसलिए इसका मन दुख हो गया, फिर भी अच्छा है, चलो मेमोरी के लिए। आज के लंच थाली में है प्रॉन करी दाल, शुक्तो बंगाली में बोलते हैं, और इसके साथ राइस, चिप्स, सलाद, एक नींबू, आम के चटनी, कातला फिश करी, इसके साथ ही मटन भी है, मैं दिखाना भूल गई सॉरी। लंच करते हुए सुमित का ध्यान कुछ अलग तरफ ही था, जिसके कारण मैंने वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया और उसने एक बार भी टोका नहीं। और सुमित का ध्यान अलग तरफ क्यों था, किस लिए था, आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। आगे का वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी किस लिए सुमित का ध्यान अलग तरफ था। मोहना जाने के वक्त जो मैंने शूज पहना था, वो शूज पहनकर मेरे पाँव में ऑलरेडी छाला पड़ गया था और मेरा पैर दुखने लगा था, जिसके कारण ये मेरा आगे का ट्रिप मैं गाड़ी से ही शूट करूँगी, क्योंकि मुझसे और देर तक चला नहीं जाएगा, मेरा पैर पूरा दुख चुका है, सुबह ही मैंने घूम के आई थी, इसीलिए सुमित ने सोचा कि चलो गाड़ी बुक कर लेते हैं, गाड़ी बुक करके जितना हो सके साइट सीन हम देख पाए देख लेंगे, तो इसी कारण हमने गाड़ी बुक किया, इसीलिए गाड़ी से होकर हम साइट सीन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यही तो काजू बादाम, चलो
साधु भगवान का जो खेत है, खेत नहीं क्या बोलते हैं बगीचा, तो अंदर नहीं जाने देगा, बाहर से ही देखना पड़ेगा बाबू। ये देखो काजू हुआ है, काजू कैसे होता है यहाँ पर दिख रहा है। चलो ना अंदर चलो, ताला लगा हुआ है बाबू, ताला लगा हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि, तो ये देखिए सामने एक काजू झूल रहे हैं। ये देखिए ये काजू खेत है, तो ये बंद है तो इसीलिए अंदर नहीं जा पा रहे। देखिए छोटा छोटा बहुत वाटर चेस्टलेट ना क्या बोलते हैं ना, उसी फल की तरह दिख रहा है। ये देखिए ये जी ये काजू खेत है, पूरा खेत है। अंदर तो नहीं, हाँ तो अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि इसका बंद है। देखिए पीछे बहुत सारे खड़े लोग हैं, तो यहाँ पर गाड़ी बुक कर लिया है। जगन्नाथ का ये जो टेम्पल है, मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, तो ये अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है जिसके कारण वीडियो अंदर नहीं कर पाऊंगी। तो बाहर का कुछ ऐसा दृश्य है, तो देख लीजिए, इसे देख कर तसल्ली कर लीजिए और हम दोनों अंदर मजा लेके आते हैं। तो फिर टेंपल के अंदर जाने के बाद पता चला ये राधा कृष्ण का टेंपल है, और अंदर से बहुत ब्यूटीफुल कारीगरी है और बहुत सारे पुराने चीज़ें हैं जिसके कारण वीडियो अंदर शूट करना अलाउ नहीं है। इसीलिए आपको आपके साथ ये टेंपल के व्यू आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जितना हो सके मैंने बाहर का व्यू अपने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड अभी हम गाड़ी पे आ गए हैं, गाड़ी पे बैठ के अभी जा रहे हैं दूसरे साइड। अब अभी तक आपने दो टूरिस्ट पॉइंट देख लिया, एक काजू खेत और एक राधा कृष्ण का मंदिर। इसके बाद हम एंट्री हो रहे हैं उड़ीसा के तरफ, उड़ीसा जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर रहे हैं।
আমি বললাম সিলা তুমি তো তুমগা শেষই না করবি কেবে শেষ হম মানে মানে কি কই কই কোটি তোমার বাজেট লাগি বুঝছো আ মাসে আন তো পয়সা উঠছ আবার কে দিবে 10 লাখ দিরাল দিরাল তো আমরা কত বার দেব হবে না এখন আরে এক জায়গা হলে ঠিক ছিল আবার সামনে এবার আবার থাকবে নাকি आपने देखा कि गाड़ी में कुछ हम बातें कर रहे थे और उन लोग उड़ीसा भाषा में लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि वहाँ पर कुछ पूजा होने वाला था जिसके कारण चंदा मांग रहे थे और एक ही पूजा के 10-10 लड़के लोग आकर चंदा मांग रहे थे, एक जगह दे कर आए हैं, उसके बाद दूसरे जगह, फिर तीसरे जगह, ऐसे मांगते मांगते हमारा बैलेंस ही ख़त्म हो रहा था, जिसके कारण हमने स्ट्रिक्ट बोला कि नहीं अभी हम नहीं दे पाएंगे। उसका सभी का बिल मैंने दिखाया, फिर उन लोगों ने छोड़ा, फिर हमने आगे का सफ़र स्टार्ट किया। तो फ्रेंड, हमने उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके तालसारी पहुंचने वाले हैं और तालसारी का व्यू जो है बहुत ही अलग है, दीघा से बहुत ही अलग है और देखने में इतना अच्छा लगता है कि आपको यहां से घर जाने का मन ही नहीं होगा, इतना अच्छा, मैं क्या बताऊं आपको। और सुमित देखिए घाड़ी में ही देख पा रहे हैं अगर तो शायद के सुमित जो मंदिर पे गए थे वहाँ पर पूजा किया था, उसका जो टीका होता है वो ही लगा कर बैठे हैं। मैंने तो अपना टीका पोज दिया, लेकिन सुमित बोला नहीं ये रहने दो बाबू, मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा क्योंकि ये चंदन का टीका है। तो मैंने बोला ठीक है चलो छोड़ देते हैं, तुम जिसमें खुशी हो मैं उसमें ही खुशी हूँ।
আপনি তো বললেন 40 মিনিট। সুমিত জলদি জলদি কর। তো আ গে হ্যাঁ তালসারি বিচ পর। তো এদিকে টাওয়ার, বহুত আচ্ছা ইয়া পর বিউটিফুল ভিউ হ্যাঁ। তো সুমিত মাচিস লেনে গে হ্যাঁ। আর মেয়া হেয়ার কা ক্যা হো গিয়া হ্যায়, সাজিয়া হো চুকে। চলো ইস তরফ সে ইস তরফ সে সেলফি করা আছে, সেলফি করা আছে নাকি? হ্যাঁ তুমি ইস তরফ পে রো। তো ছোটা ছোটা দেখিয়ে সব বৈঠা হ্যায় ইয়া পর। আপ কসমেটিক কা বাবু শুজ পেলে শুজ না বাবু শুজ ছিড়ে গেছে ঠিক আছে। হ্যাঁ শুজ পাবো না ফলো। ওয়াও ইয়ে বীচ পুরা উঁচা হুয়া দেখো বাবু। किस तरफ से जाना? ओ नाव से जाना पड़ता। ओ देखो दी नाव से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। पैदल में जाने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या बाइक से? बाइक से 100 लेगा ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ सामने का व्यू, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर केकड़ा है। तो ये देखिए वो है बीच ना, दीप दीप सॉरी, वो एक दीप भी नहीं, बंगाली में दीप बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बहुत बता रही हूँ। आइलैंड है ये, वो तो नाव से जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल से नाव से ही ठीक है क्योंकि ड्रेसअप करके आई हूँ तो सब पानी में चला जाएगा। तो देखिए इतना कुछ इस तरह से है, बहुत ब्यूटीफुल है।